आजादी तेरे राज में। दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ कारोबारी सड़क पर उतर आए हैं। उन व्यापारियों का कहना है कि कन्वर्जन चार्ज लेने के बाद भी नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सीलिंग की कार्रवाई की, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ हमारा व्यापार पनपा हुआ है, वहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो हो ही रही है। वो किसके देखरेख में हो रही है? हम एमसीडी वालों से पूछे, इन्हीं की देखरेख में हो रही है। अब जब वो बन चुका, रोजी रोटी शुरू हो चुकी, हमारा सारा हाउस टैक्स, बिजली, पानी, सब चीज हम कमर्शियल देने लग गए, उसके बाद अब ये हमारे से आगे कह रहे हैं कि आप ये कन्वर्जन चार्ज दो, वो भी दे रखा है, उसका हिसाब नहीं इनके पास। आकर क्या है सीलिंग, अभी हमारे यहाँ पर जब सीलिंग हुई है देशबंधु गुप्ता रोड पर, उन्होंने बोला कि ये हमारे पास पूरा कन्वर्जन चार्ज है, आप देख लो। तो जवाब क्या था उन अफसरों का? कोर्ट में दिखाना। सुना भी नहीं जा रहा, कोई हमारे को बताया भी नहीं जा रहा, कोई नोटिस एक दिन दो दिन पहले भी नहीं, सीधा आते हैं और तलवार लटका के चले जाते हैं। अब यही नहीं पता कौन सी मार्केट में कब आ जाएंगे, इसलिए हम सारे व्यापारी आज पूरी दिल्ली को बंद करके रखे हुए हैं। और हमारी मांग बिल्कुल मांगनी जानी चाहिए, हमारी मांग यही है जी, हमारे को बख्शा जाए, सीलिंग बंद हो। लोगों का कहना है कि अब केंद्र सरकार इस मामले में दखल दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे व्यापार, हमारे रेजिडेंट को कन्वर्जन चार्ज के रूप में लेकर इन्होंने जब कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये हमारी सीलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये हमारे को लाइसेंस दे चुके हैं एक तरह का कन्वर्जन चार्ज लेकर, और उसके बावजूद ये सीलिंग पे सीलिंग करे जा रहे हैं, ये ऐसी राजनीति ना करें। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है वो हस्तक्षेप करे। दिल्ली के सभी बाजार इसके विरोध में बंद रहे। तकरीबन 7 लाख दुकानें पूरी दिल्ली में बंद रही। कई जगहों पर व्यापारी कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इसके अलावा चांदनी चौक पर आम आदमी पार्टी ने भी सीलिंग के विरोध में प्रदर्शन किया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। मोदी तेरे राज में।